तो पबजी लवर्स हो आर यू एंड कैसे हो। उम्मीद करता हूँ यार कि एकदम मस्त हो, क्योंकि पबजी नहीं है तो एकदम फीलिंग वैसी ही है जैसे कि आपकी बंदी ना हो साथ में। मतलब पबजी किसी बंदी से कम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो पबजी कभी नहीं आएगा इंडिया में, कभी भी नहीं आएगा पबजी मोबाइल इंडिया, कभी आएगा ही नहीं। वैसा क्यों है, वीडियो को एंड तक देखूं तब समझ में आएगा। एंड हाँ, मैं डेली का वीडियो बनाता हूँ पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड, अपडेट से रिलेटेड, लेकिन आज इसमें टाइटल जरूर है अपडेट न्यूज से रिलेटेड, लेकिन ऐसा कोई भी अपडेट देने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आज रियलिटी की बात करूँगा, पबजी मोबाइल इंडिया की रियलिटी की, कि अगर आप लोगों ने पबजी ऑडियंस एंड पबजी लवर्स ने कुछ नहीं किया तो पबजी मोबाइल इंडिया हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाएगा, उसे फिर आने का कोई चांस नहीं है। अब जो है सिर्फ आपके हाथ में है। एंड हाँ यार, मैं इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ, आपको जो भी जैसा भी समझ में आए, भले 100 गाली सुना देना कमेंट में, लेकिन अपनी एक बार फीलिंग जरूर शेयर करना। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में कमेंट किए बिना वापस मत जाना, भले ही 100 गाली टाइप करके जाना, लेकिन जाना जरूर। आपको पबजी मोबाइल की कसम, अगर आप पबजी लवर्स हो तो आपको पबजी की कसम कि आप रिटर्न मत जाना, वापस मत जाना बिना कमेंट किए, भले ही 100 गाली ही सही, लेकिन बता कर जाना कुछ न कुछ जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसके बारे में। सो लेट्स गो पबजी लवर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपसे बहुत ज्यादा इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज यार एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा रियलिटी की बात करने वाले हैं। सो सबसे पहली बात तो ये देखो, पबजी मोबाइल वाले, अगर पबजी कॉर्पोरेशन अपने साइड से लगा हुआ है ना लगातार, वो अपने लिए लगा है, वो किसी पबजी और मतलब इंडिया में पबजी लवर्स है वो आपके लिए नहीं लगा कि भाई हमारे पबजी लवर्स वो खेलेंगे, इसलिए नहीं लगा है। उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसका मार्केटिंग है इंडिया में बहुत ज्यादा, इसलिए लगा है। वो किसी गेमर के लिए नहीं लगा है कि आप लोग गेम खेल रहे हो तो लगा है, मतलब वो आपको खुशी देने के लिए नहीं लगा है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए लगा है। उसका मार्केटिंग बहुत चल रहा है इंडिया में, पबजी मोबाइल की बहुत ज्यादा ऑडियंस है इंडिया में, बहुत ज्यादा पबजी लवर्स है इंडिया में, उसकी मार्केटिंग हाई लेवल के चलती है इंडिया में, इसलिए वो लगातार लगा है, ना कि किसी पबजी गेमर के लिए या फिर जो लव करते हैं पबजी से उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने लिए लगा है, सब अपने लिए लगे हैं। अगर गेमिंग की बात करें, अगर यूट्यूब की बात करें, तो यूट्यूब में सब लोग अपडेट तो डाल रहे हैं, लेकिन क्या डाल रहे हैं। एंड मैं भी डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं डाल रहा, मैं भी डाल रहा हूँ, तो मैं उसका रीजन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर इससे रिलेटेड जानना है तो कमेंट में बता देना, वैसे भी मैंने आपको कहा है कि कमेंट करके ही जाना, तो मैं भी डाल रहा हूँ, वो बात सच है, लेकिन उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर जानना हो तो। सब लोग वीडियोस तो डाल रहे हैं, वो बात सच है, लेकिन वो भी तो अपने लिए डाल रहे हैं। एंड मैं खुद कहता हूँ यार कि अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, भले ही मैं कुछ भी कहूँ कि इम्पोर्टेंट है या कुछ भी है, या आपके लिए बहुत ज्यादा अपडेट इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो एंड तक देखना, ये करना वो करना, जो भी मैं बोल रहा हूँ एंड जो भी यूट्यूबर बोल रहा है वो अपने लिए बोल रहा, किसी और के लिए नहीं बोल रहा। उसका व्यूज आता है, उसके एड्स आते हैं, जिनके चैनल मोनेटाइज है उनको एड्स आते हैं, उनको क्रेडिट मिलता है, इसलिए वो सब लगे हैं, किसी को अपडेट देने के लिए नहीं लगे, सब अपने अपने लिए लगे हैं। तो एक बार आप लोग भी अपने लिए लग जाओ ना, डेली का डेली मुंह उठा के आ जाते हैं यूट्यूब पे अपडेट देखने पबजी वाली इंडिया की, कि क्या चल रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। इस चीज को छोड़ के एक बार खुद भी कुछ कर लो ना, पर डे का आप लोग अगर आके सर्च करते हो यूट्यूब पर पबजी वाली इंडिया से रिलेटेड न्यूज अपडेट, कि क्या चल रहा है पबजी वाली इंडिया में, कब आ रहा है, ये चीज अगर सर्च करते हो देखते हो, तो क्या एक छोटा सा दो हैशटैग नहीं डाल सकते ट्विटर पे डेली के पर डे का जाके, बस एक मिनट का तो टाइम लगेगा। हैशटैग अनबैन पबजी मोबाइल इंडिया एंड हैशटैग अलाउ पबजी मोबाइल, ये क्या दो हैशटैग डेली का पर डे का नहीं डाल सकते हो, बस एक मिनट लगेंगे यार डेली का पर डे का डाल। जो भी गवर्नमेंट की बॉडीज रिलेटेड है पबजी मोबाइल को बैन करने में, एंड जो पबजी वाली इंडिया को नहीं आने दे रही, उनको टैग करो एंड ट्वीट करो हैशटैग अनबैन पबजी मोबाइल, हैशटैग अलाउ पबजी मोबाइल इंडिया, इन दो हैशटैग को ट्वीट करो यार उन्हें टैग करके। एंड जो भी गवर्नमेंट के हैंडल ट्विटर हैंडल पेज पर लेटेस्ट पोस्ट आते हैं उनको रिट्वीट करो और उन पर हैशटैग अलाउ पबजी मोबाइल इंडिया एंड हैशटैग अनबैन पबजी मोबाइल, ये दो हैशटैग लगाओ दोनों चीज में, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में दो दो चार चार ट्वीट करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हो सके। डेली का वीडियो देखते हो, 2020 सितंबर से वीडियो देख रहे हो एंड मार्च 2021 आ गया है, ये 6 महीने में कुछ हुआ है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यूट्यूबर्स ने बोला, बड़े बड़े ई सपोर्ट प्लेयर ने बोला है कि इस सब करने का कोई फायदा नहीं है, तो क्या 6 महीने आपने जो अपडेट देखे न्यूज देखे पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड, क्या उनका कुछ फायदा हुआ है 6 महीने में? नहीं हुआ ना कुछ। तो एक महीने ये काम भी करके देख लो, डेली का 2-3 ट्वीट कर दो, जो भी गवर्नमेंट के जो भी लेटेस्ट पोस्ट आते हैं उन्हें रिट्वीट करो और उन पर हैशटैग लगाओ पबजी मोबाइल का। अगर डेली का डेली आप लोग वीडियोस देखते हो ना एंड वीडियोस में 1-2 लाख व्यूज पहुंच जाते हैं, तो जरा सोचो ट्वीट कितने हो जाएंगे, कम से कम 20-25 लाख ट्वीट हो ही जाएंगे, फिर इसमें कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा ही, जब नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या बिगड़ जाएगा यार। 6 महीने अगर यूट्यूब में इतने अपडेट देखे, 8-10 मिनट का वीडियो देखा है, तो 1 मिनट जाके ट्वीट करने में क्या चला जाएगा पर डे का, शायद कुछ हो जाए इससे, क्योंकि देखो अपनी साइड से पबजी मोबाइल वाले तो लगे हैं और यहाँ पर हर जगह से एक ही पॉइंट आ रहा है, जो अब इशू है वो है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का। एंड जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है ना पबजी मोबाइल को वायलेंस लेके, तो देखो तो पहले ये वाला वीडियो देखो, इसके बाद आगे की बात करते हैं।
त्रिजी नमस्कार, मेरा नाम मधुमिता सेन गुप्ता है। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। मायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? तो समझ रहे हो ना ब्रदर्स, मतलब समझ रहे होगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो देखो, पॉइंट है ब्रो, पॉइंट है। यहाँ पर अभी इन आंटी ने यहाँ पर एक बार भी पबजी का नाम तो नहीं लिया, इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग का नाम लिया है। लेकिन हमारे अंकल ने सीधा डायरेक्टली पबजी के बारे में ही क्यों बात की? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही पबजी मोबाइल गवर्नमेंट के नज़र में था, क्योंकि आवाज़ उठाई जा रही थी पबजी मोबाइल को बैन करने की, और लोगों ने आवाज़ उठाई थी बैन करने के लिए। तो आप लोग ही, आप पबजी लवर्स ही आवाज़ उठा सकते हो इसको वापस लाने के लिए। समझ रहे हो ना बात को? वायलेंस वायलेंस कुछ नहीं है। पहले इसका रीजन बताया गया कि सिक्योरिटी है, इंडिया की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैन किया गया। एंड अब जब इसको सिक्योरिटी से रिलेटेड सब कुछ हटा दिया गया है, तब इसे वायलेंस बताया जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट का यही प्लान है यार कि इसको वापस नहीं लाने का है। सीधी बात, ये फंडा कुछ और नहीं है, बस यही है कि लाना ही नहीं है इसे। अब इसे वायलेंस बता के भले ही टाल दिया जाए या कुछ भी बता के टाल दिया जाए, लेकिन टालना है। अब यही मुझे बता दो कि जब आंटी ने पबजी का नाम ले लिया, तो अंकल जी ने कैसे कह दिया कि ये पबजी वाला है क्या? मतलब पॉइंट है ना यार, समझा करो। तो यहाँ पर वायलेंस का कोई रीजन नहीं है। अगर वायलेंस का भी रीजन है तो क्या फ्री फायर में वायलेंस नहीं है? क्या कॉल ऑफ ड्यूटी में वायलेंस नहीं है? है नहीं इनमें, तो ये क्यों चल रहे हैं अभी तक? इन्हें भी बैन होना चाहिए अगर वायलेंस का रीजन है। एंड दूसरी बात, जो बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, मतलब हानिकारक समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये आपकी मर्जी है। मतलब बोल तो यही रहे कि डिसपॉइंट बता रहे हैं पबजी को, ये डिसपॉइंट है। डिसपॉइंट है अगर ये, तो पहले ये बताओ कि ये शराब कौन सा पॉइंट है, ये किसका भला करती है? शराब किसका भला करती है? ड्रग्स किसका भला करते हैं? एंड ये बीमल, मुझे ये बताओ कि ये बीमल भाई, ये बीमल का इतना ज्यादा स्पॉन्सर हो रहा, प्रमोशन हो रहा है ना, कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसका स्पॉन्सर कर रहे हैं, अवार्ड हो रहे हैं इसके। एंड वही हमारे अजय देवगन, सुपरस्टार अजय देवगन भी इसका प्रमोशन कर रहे हैं बीमल का। अब अगर भाई तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है ना, तो मुझे ये बताओ कि बीमल किसका भला करती है? किसी का नहीं करती। टॉपिक ही नहीं है यार कि पबजी मोबाइल किसी को भला नहीं कर रहा है या फिर वायलेंस है, ये टॉपिक है ही नहीं। टॉपिक जो है वो है डायरेक्टली ये कि आवाज उठाई थी लोगों ने सबने कहा था कि पबजी मोबाइल को बैन करो, इसलिए पबजी मोबाइल को बैन कर दिया गया है। भले ही इसको सिक्योरिटी से रिलेटेड बैन किया गया था, लेकिन अब इसे गवर्नमेंट वापस नहीं लाना चाहती है। इसलिए कभी वायलेंस का नाटक, कभी किसी चीज का लोगों ने आवाज उठाई थी इसे बैन करने के लिए। तो अब #unbanpubgmobile एंड #allowpubgmobileindia करके ट्विटर पे आवाज उठाओ, एंड इसे आप ही लोग, मतलब पबजी लवर्स एंड इसे वापस ला सकते हैं। बाकी कैप्टन वाले अगर अपनी शिक्षा से कोशिश तो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई जब हमारे पबजी प्लेयर्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, इंडियन के गेमिंग ऑडियंस कुछ नहीं बोल रही है, गेमिंग लवर्स नहीं कुछ बोल रहे हैं कि पबजी को लाना या नहीं लाना है, तो आप क्यों इतना पहाड़ खोद रहे हो? यही बोल रहे हैं, मतलब इतना सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल है मतलब उनका कहना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड मैंने कहा कि देखो, मुंह उठा के न्यूज देखने आ जाते हो, तो अगर उसके लिए बुरा लगा हो तो सॉरी। अगर आप लोग एंड तक देख रहे हो तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि भले ही कुछ भी बोलना, लेकिन भले ही कमेंट जरूर करना, भले ही 100 गाली देना। तो अब बताओ कि ये सारी टॉपिक आपको कैसी लगी? एंड यहाँ पर आपको क्या रियल लगता है, क्या सही है? ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है कि किसी के खिलाफ है, लेकिन एक रियलिटी है ये पबजी मोबाइल की, जो बताना था जो मैंने बता दिया। अब आपको कैसा लग रहा है एंड क्या लग रहा है, ये कमेंट में मुझे बताओ। भले ही अगर बुरा लग रहा है तो बुरा बताओ, अगर गाली देने का मूड हो रहा था गाली दे दो यार, लेकिन बताओ, कमेंट करो बस, मुझे जानना है यार। अगर मैं जानूंगा अगर यहाँ पर आप लोग कमेंट करोगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ना कुछ नया लाने वाला हूँ।